एक्चुअली चलते चलते मैं एक और बड़े मज़ेदार इस स्टॉल पे आ गया हूँ। क्रिएटर स्टेशन के नाम से इनका स्टॉल है, उनके बड़े कोई यंग किस्म के सीन है। तो सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बताएं। दाऊद अहमद नाम है मेरा। सर आप वाकई इतने यंग हैं जितने आप लग रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल की उम्र के हमारे यंग सीईओ आ गए। तो एंटरप्रेन्योर साहब हमें थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताएं। बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जी। हमारा प्लान इनिशियली ये था कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन दें, आपकी जितनी भी पाकिस्तान में जो इवेंट मैनेजमेंट की जो हैसल्स हैं वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। दौर डिजिटलाइज हो रहा है, दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो व्हाई नॉट इवेंट मैनेजमेंट। और जितने भी आप इजीली घर बैठे बैठे अपनी इवेंट की हर सेक्टर, अपनी तमाम इवेंट्स की ज़रूरियात, चाहे आपके फोटोग्राफर्स हों, केटरर्स हों, डेकोरेटर्स हों, आप इजीली हमारे प्लेटफॉर्म से बुक कर सकें। और हमारे पास मोर देन 70 कंपनीज लिस्टेड हैं, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बुक कर सकते हैं। अच्छा, किन किस्म के इवेंट्स आप कैटर करते हैं? कॉर्पोरेट इवेंट्स भी हैं, उसमें कैजुअल इवेंट्स भी हैं, शादियां भी हैं, मेहंदी वगैरह, और जो भी इवेंट, मतलब इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी आपको सहूलियात चाहिए वो हमारे प्लेटफॉर्म से। अच्छा, अगर कोई बंदा पूरा इवेंट कह लें कि वो इटसेल्फ नहीं, पूरा सारा का सारा इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज कराना चाह रहा, कुछ इंडिविजुअल सर्विसेज चाहिए उसको? इंडिविजुअल सर्विसेज भी वो इजीली बुक कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसको चाहिए कि भाई मुझे अपनी शादी के लिए फोटोग्राफर चाहिए, तो हमारे पास फोटोग्राफर्स भी लिस्टेड हैं, वो फोटोग्राफर इजीली बुक कर सकता है। एंड व्हाट आर द रेट्स लाइक? रेट्स आर मार्केट कंपेटिटिव। दे आर रियली मार्केट कंपेटिटिव, एंड लोग स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हैं। हमारे हर 3 महीने बाद हमारे पोर्टल पे डिस्काउंट्स लग रहे होते हैं, हर वेंडर के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, सो इजीली वो डिस्काउंटेड प्राइस पे भी बुक कर सकते हैं लोग। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपकी इस कंपनी को एस्टैब्लिश हुए और सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए? 1 साल हो गया हमें। व्हाट वुड यू से कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े स्टार्ट में? जैसे हर किसी भी बिजनेसमैन से आप बात करो तो यही कहते हैं कि यहाँ का जो बिजनेस लैंडस्केप है ना वो बड़ा ओवर रेगुलेटेड है और हर तरह के, आपको पता है, इकोनॉमिक टर्मोइल भी चल रहा है। तो आपको कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े और किस तरह यू ओवरकेम देम? चैलेंजेस, सबसे पहला चैलेंज जो एक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं तो समझूंगा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज एक नए स्टार्टअप को होता है, ब्रांड अवेयरनेस का। सो आवर फर्स्ट एम वॉज टू मेक द पीपल अवेयर दैट वट इज़ क्रिएटर स्टेशन एक्चुअली, क्या टूल्स यूज़ किए हमने। टूल्स उसके लिए हमने डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी, उसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने बहुत ज़्यादा की, फिर हमने इस तरह के इवेंट्स मिस नहीं किए। फ्यूचर फेस्ट इज़ वन ऑफ दोज इवेंट्स जहाँ पे हमने आज अपना डिस्प्ले किया, और बस इसी तरह हमारी एक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। तो अभी तक क्या कहेंगे आप, रिस्पॉन्स कैसा रहा पब्लिक? रिस्पॉन्स इज क्वाइट गुड। लास्ट इवेंट सीजन में वी हैव केटर्ड मोर देन 35 इवेंट्स डिजिटली थ्रू आवर प्लेटफॉर्म विद इन 4 मंथ्स। मतलब पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो आपके इवेंट्स का जो सीज़न है, शादियों का सीज़न है, वो सर्दियों का होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर मैक्सिमम। तो इन 4 महीनों में वी हैव मैनेज 35+ इवेंट्स थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। अच्छा दाऊद साहब, जाते जाते जितने कोई आप यंग और इतने इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी देखने वाले हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस माइंडेड पीपल हैं, उनके लिए कोई मैसेज देते हैं? हमारे जो यंग लोग हैं उनके लिए मेरा बस यही मैसेज है कि हिम्मत नहीं हारें, और मुश्किलात आती रहती हैं, इनसे सीखना चाहिए, फेलियर्स भी आते हैं, बंदे को उससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए, और मेहनत का सिला अल्लाह हमेशा देता है, और सब्र से काम दे। चले, आपने मेरी बात तो सुननी नहीं होती, दाऊद की बात ही सुन लें कि लगे रहें और डटे रहें यार। अब इसी के साथ साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉल की जानिब।